विकारों का पॉल्यूशन घुसा, थॉट्स में नकारात्मकता आई, तो हमारे मानव जीवन के अवमूल्यन में ये समय आया, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कार्यपालिका के लोग हो, हैं तो सब मानव, वही लोग इन तीनों स्तंभ का संचालन करते हैं और सभी मानव के मस्तिष्क में यही थॉट जनरेट होता है। हमारे थॉट्स रिएक्टिव एनर्जी की भी रखते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि एक बॉल हम दीवार पर मारें तो न्यूटन के फोर्स के सिद्धांत के अनुसार रिटर्न बैक आती है उतना ही फोर्स से। ऐसे ही थॉट्स हमारे मन में कई बार ऐसी रिएक्शन के विचार आते हैं कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, और उसका कारण है वह आत्मा भी आपके प्रति ऐसा ही विचार करती थी, इसीलिए आपके मन में, आपके मन में जो थॉट्स उत्पन्न हुए उनमें रिएक्टिव एनर्जी थी। सेमी क्रिएटिव एनर्जी, हम दुनिया का साहित्य पढ़ते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, भक्ति मार्ग के माध्यम से परमात्मा की प्रेयर करते हैं, वो सेमी कंस्ट्रक्टिव सेमी क्रिएटिव एनर्जी पैदा करती है और हम अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन वह चूंकि सेमी है इसलिए नाशवान है, समाप्त हो जाता है। और एक और चीज है जो क्रिएटिव एनर्जी होती है जिसका नाश नहीं होता और जो विश्व का परिवर्तन कर देती है, और वो थॉट्स जनरेट होते हैं केवल आध्यात्मिक ज्ञान से, स्पिरिचुअल ज्ञान से। धर्म और आध्यात्म में बहुत अंतर, कितना, एक घंटा कम 70 वर्ष में, इतना अंतर। धर्म और आध्यात्म में कितनी दूरी, 70 वर्ष में एक घंटा कम। आप सोचेंगे ये कैसा नाप है। मोहम्मद साहब ने लिखा कि हम 70 वर्ष तक प्रेयर करें और जो प्राप्ति होती है वो एक घंटे के मेडिटेशन से प्राप्ति होती है। प्रेयर भक्ति में की जाती है और मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म का आधार है। हम भक्ति में या प्रेयर में भगवान को याद करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में या मेडिटेशन में हम भगवान से बात करते हैं, वो हमसे बात करता है, ये अंतर है। तो एक घंटे का मेडिटेशन हमारे 70 साल की प्रेयर के बराबर है। तो जब तक हम अपने मन में उत्पन्न होने वाले थॉट्स में आध्यात्मिक चिंतन नहीं लाएंगे, तब तक क्रिएटिव थॉट्स क्रिएटिव एनर्जी नहीं आ सकती। और ये सारे जितने अवमूल्यन हुए हैं मानवीय गुणों में, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जो भी हो, तब तक इन मूल्यों को नहीं सुधारा जा सकता। और आज क्या दशा है, एक शेर है, सारी जिंदगी तमाम कर दी, उनके वजूद के गुनाहों को गिन गिन के या ढूंढने में, यदि इतनी तपस्या या इतना में खुद को तरासता तो फरिश्ता बन जाता, ऐसे ही कुछ शब्द हैं उसके। मैं चाहता हूं कि इन 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम इतना भरपूर होकर जाएं कि जिस एम और ऑब्जेक्ट के लिए हैं एकत्रित हुए हैं, मैं इतने इससे इसलिए कह रहा हूं कि न्यायपालिका मेरी है और आप मेरे हैं और हम सब की न्यायपालिका है, हमसे देश है। यदि हम ही कमजोर हो जाएंगे तो इस देश को कौन संभालेगा। याद आती है महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, मोतीलाल जी की, मालवीय जी की, दादा भाई नरोजी की, गंगाधर तिलक जी की, जिन्होंने अपना संपूर्ण स्वाहा कर दिया देश को स्वतंत्र करने में। हम चाहते हैं कि वो पुनः स्थान ग्रहण करे देश हमारा। तो आपका और हमारा बहुत महत्व है और ऐसा भरपूर होकर जाएं कि जिसमें न तो आपको कोई गवाह रखना पड़े, न किसी की गवाही दिलाना पड़े, न किसी के आश्रित होकर जाना पड़े इस शुभ कार्य के लिए, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि अपनी परछाइयों को साथ लेकर चलो, क्या पता वहां बरगद हो ना हो।
थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भगवान दास राठी जी। अब मैं शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करती हूँ राजयोगी भ्राता करुणा जी, चेयरपर्सन मीडिया विंग। सत्यम शिवम सुंदरम। ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोरा जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस भगवान दास राठी जी, सभी न्यायविद के व्यवसाय में अपने जीवन अर्पित किए हुए सभी भाई बहनों को, ईश्वर के एक प्रतिरूप मानकर आप सबको मैं वंदना करता हूँ, क्योंकि हम सब मानते हैं जो सबसे श्रेष्ठ जस्टिस ईश्वर देता है ये विश्वास हमारे भारत में अभी तक है। परंतु न्यायविद व्यवस्था जो है ईश्वर तक पहुंचने के पहले जितना हमारे पाप कर्म हो या कोई गलतियां हुई हो उसकी शिक्षा यहां ही खत्म करने की भी एक विधि है। तो आज भारत में कुछ ईश्वरीय विश्वास, सत्य, न्याय, शांति है, तो उसका मूल कारण आज न्यायविद में विश्वास है। इसीलिए आप सबके ऊपर बहुत जवाबदारी है। मुझे मालूम है कि भगवान को बाद में याद करते हैं तो जिनकी केस आप हैंडल करते हैं आपको वो पहले याद करते हैं। यहां तक भी आपको फोन आते होंगे, आपके कहां है, कब आ रहे हैं, वो भी जानकारी जानना चाहते होंगे। आप सभी व्यस्त है, फिर भी हमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारी बहनें, हमारी दादियां, आप सबको दिल से निमंत्रण दिया है कि आप सभी यहां पधारे। भाई यहां क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय? क्या फिर से स्कूल पढ़ने आए हैं या प्रवचन सुनने आए हैं? तो मुझे हर्ष है कि जातिवाद, भाषावाद तो है ही हमारे देश में, परंतु पारिवारिक भावना जो व्यवसाय में है, हम डॉक्टर्स हैं, हम न्यायविद हैं, ये अभी तक बहुत अच्छा है। आप सबको खुशी है कि हम सब एक परिवार के हैं। तो आपकी व्यवसाय में जो परिस्थिति है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बीच में और कोई नहीं है। आपके व्यवसाय में कितना टेंशन है और कितनी कठिनाई है, क्योंकि एक केस हियरिंग के बाद जीतता तो एक ही है, दोनों नहीं जीतते हैं। तो इसलिए हम सबके जीवन में इस समय पर हर प्रोफेशन में टेंशन है ही। तो हम यही चाहते हैं कि 3-4 दिन जो हम सब यहां रहेंगे साथ में, अपनी व्यवसाय को थोड़ा सा वहीं छोड़ करके, तो हम भी ईश्वर के संतान है, तो जब दूसरे सभी शांति, आनंद, प्रेम इस जीवन में प्राप्त कर सकते हैं तो हम लोग भी उसकी थोड़ा कुछ अनुभूति यहां कर सकते हैं। और इसी विश्वास से आप सबको यहां तक निमंत्रण दिए हैं,
और मुझे विश्वास है आप इन तीन चार दिन में इतना शांति और आनंद प्राप्त करेंगे, दुनिया में ऐसा भी कोई स्थान है जहां हम लोग शांति आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जिसको ही कहा जाता है आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिटी। यहां कोई जाति मत धर्म इस प्रकार की बातें नहीं है। यहां एक बात जरूर हमको सिखाते हैं कि ईश्वर भी न्याय क्या करते हैं, तो उससे भी हम ईश्वर के सामने जाए तो ईश्वर को भी सलाम देकर के हम जा सके, तो ऐसा हम क्या करें। तो जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन, कर्म की गति, शायद ही वो कहीं किसी स्कूल में सिखाया जाता है, क्योंकि हर पढ़ाई में हमको यही सिखाया जाता है। आप भले कोई भी प्रोफेशन में जाओ, परंतु अधिक से अधिक पैसा कमाने का सोचो। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबको ऐसा श्रेष्ठ कर्म हम क्या करें जो हम ईश्वर के सामने भी सिर झुकाना ना पड़े, धर्मराज के सामने भी हम सिर झुकाना ना पड़े, और जो इस गौर कलयुग के बाद जो आने वाली दुनिया, जिसको हम सतयुग कहते हैं, स्वर्णिम युग कहते हैं, इस भारत को ही स्वर्ग कहते थे, तो ऐसी स्थान में फिर से हमको जन्म लेना हो तो इसी जन्म में ही कुछ ऐसा कर्म श्रेष्ठ करना होगा। तो इस प्रकार की सरल भाषा में आपको हमारी बहनें शिक्षा देते हैं, वो भी केवल सुबह एक घंटे का, जिसको हम राजयोग शिविर कहते हैं। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं, वो सेशन तो कभी आप मिस नहीं करना। तीसरी बात, आप सबसे सारे भारत इस समय पर विश्वास रखता है कि और कहीं न्याय ना मिले, अपना परिवार में नहीं मिले, अपना दोस्तों से नहीं मिले, परंतु न्यायालय में मिलेगा, ऐसा विश्वास अंत तक कायम रहे। इस कार्य के लिए जिम्मेवार आपको बनाए हैं भगवान ने, तो इसीलिए तो आप सभी ईश्वर के साथी है, सहयोगी है, रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा मान करके। तो ईश्वर की क्या शिक्षाएं हैं जो ये इन तीन दिन में आप समझकर हमारे भारत को फिर से स्वर्ग बनाने में पूर्ण सहयोगी रहेंगे, ऐसी आशा करता हूं। अंत में मैं यही कहूंगा, समय आप सबको बहुत कम होता है, आज के दिन और सब कुछ मिल जाता है पर समय नहीं मिलता है, तो इसलिए आपके घर तक इस ईश्वरीय शिक्षा का एक चैनल, टेलीविजन चैनल, जिसका नाम भी बहुत अच्छा है, जो सबको चाहिए इस समय पर, पीस ऑफ माइंड कहते हैं, तो जरूर कुछ समय आप देखेंगे, ताकि आपको जहां जो शिक्षाएं आप यहां प्राप्त किए हैं, जो अनुभूति आपने यहां किया है, तो उसको समय पर समय याद करते हुए आप भी सुख शांति इस जीवन में प्राप्त करेंगे, ऐसी आशा रखते हुए मैं अपना दो शब्द समाप्त करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता करुणा जी। अभी इस सत्र का अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ भ्राता बीएल महेश्वरी जी, चेयरपर्सन जुरिस्ट विंग। ओम शांति। इसके पहले कि मैं कुछ अपने विचार रखूँ, मैं अपनी एक दिल की बात आपके सामने
प्रकट करना चाहता हूँ कि आज का ये दिन मेरे लिए एक बहुत ही कहना चाहिए बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है मेरी लाइफ का कि इसमें इस दिन के दिन में मुझे इतनी उपलब्धियाँ मिली है कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। आज का दिन इसलिए मेरे लिए बहुत महत्व का है कि अभी जैसा कि आपको बताया गया था कुछ दिन पूर्व जूरी सिंह के चेयरमैन के रूप में मेरे को नॉमिनेट किया गया है संस्था की तरफ से और मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य का दिन है। मेरा यहाँ सम्मान हुआ उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी बड़ी कुर्सी पे पहले रमेश भाई थे, बहुत अनुभवी थे, वो सीएमए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था उन्होंने और इस यज्ञ का वो सारा अकाउंट देखते थे, सारे भारतवर्ष का जितना अकाउंट है वो देखते थे, उनको करीब 800 किताबों की नॉलेज थी और उनके कारण वो जूरी सिंह के चेयरमैन की कुर्सी उनके कारण से बड़ी गिनी जा रही थी। पर कभी कभी ये होता है कि एक छोटे व्यक्ति को बड़ी कुर्सी पर बैठा देते हैं तो उस छोटे व्यक्ति की गरिमा बढ़ जाती है। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, इस बड़ी कुर्सी पर आपने मुझे इस सम्मान देकर बैठाया और मेरे प्रति जो आदर भाव प्रकट किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी और बहुत मुख्य है क्योंकि जूरी सिंह का चेयरमैन बनने के बाद में आज इमीडिएटली मुझे इतनी बड़ी एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिल गया है जिसमें मैं एज ए चेयरमैन या पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और इसका श्रेय सब आपको जाता है कि आपने मुझे अपनी शुभकामना दे के आज के इस फंक्शन में जो मेरा सम्मान हुआ आपने अपनी शुभकामना दी उसके लिए भी मैं आपके प्रति बहुत गदगद हूँ, आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप पधारे। हो सकता है आपके आने से ही मेरा ये सौभाग्य जागा हो तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन में हमने विद्वान मंच से सारे विद्वानों को भी सुना और उन्होंने अपने कई अनुभव अपने सामने पेश किए। मैं समझता हूँ और मेरी अपनी राय है, आपकी भी राय हो सकती है कि हम इन सारे विद्वानों को सुनकर हम अवश्य अनुभवी हुए, गुणवान बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने इन वक्ताओं को सुन के आज अपने को धन्य किया है कि हमें इनके इतने बड़े बड़े पिछले अनुभव हमको आज सुनने को मिले और हम समझते हैं अगर हम उनकी धारणा करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत उसकी उन्नति होगी। हमने विशेष में थोड़ा कहना चाहूँगा, बीके निर्वेर भाई साहब ने जो अपने अनुभव सुनाए है वो वास्तव में बहुत मानविक अनुभव थे। बीके निर्वेर भाई साहब इस संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं से अनुभवों से वो परिपूर्ण है। उनसे हमने बात करते हैं, उनके पास बैठते हैं तो हमें एक आनंद सी अनुभूति होती है। उन्होंने कई अनुभव आपके सामने रखे, एक बात उन्होंने आपके सामने रखी और वो ये कि हम अपने जीवन काल में हम जो भी जुरिस्ट हैं उनको टाइम नहीं मिलता है क्योंकि दिन में तो हम कोर्ट्स में रहते हैं और सवेरे शाम ऑफिस में लगे रहते हैं, न तो हमने घर वालों की फिक्र होती है न समाज की फिक्र होती है। हमें फिक्र होती है तो सिर्फ उस क्लाइंट की जिसकी फाइल हमारे सामने होती है और जिस फाइल को लेकर हमें कोर्ट में जाके उसके लिए एक प्रयत्न करना पड़ता है कि हमारा वो क्लाइंट जीत जाए, सफल हो जाए और हमारी भी उसमें सफलता शामिल हो जाए। तो उन्होंने आपको ये कहा कि 24 घंटे में 8 घंटे आप कार्य करिए, 8 घंटे आप आराम करिए और उन 8 घंटों में से कुछ समय आप निकालिए और उस समय में आप भगवान को याद करिए। मैं अपने ज़िंदगी का एक अनुभव इसमें शेयर करना चाहूँगा कि मैं अगस्त 1986 से इस संस्था की मैं जुड़ा हूँ और जुड़ने के बाद में कुछ ऐसे क्षण आए थे जो क्षण मेरे व्यवसाय के विपरीत हो रहे थे। क्यों? हमारा जो आप जानते हैं अपना व्यवसाय वैसा है कि हमें कोर्ट में जाके जस्टिफाई करना पड़ता है। हमारे राजस्थान में उन दिनों में वैकेशन में मॉर्निंग आवर्स होते थे
मॉर्निंग आवर्स कोर्स चलती थी 7:30 से लेकर 12:30 तक, आजकल 7:30 से 1 बजे तक आधे घंटे की अवसर चलती है। तो वो मॉर्निंग आवर्स के थे और मेरे पास सवेरे 5:30 बजे मेरे जो जोधपुर केंद्र है उसकी इंचार्ज है फूल बहन, उसका फ़ोन आया कि आबू से दादी जी ने, प्रकाश मणि जी ने जो मुखिया थी यहाँ की, उन्होंने ये कहला है कि वैश्वी भाई को अभी कभी तुम आबू भेजो, कुछ विशेष काम है, उस काम के लिए आना है। जब ये मैंने मैसेज फ़ोन पे सुना फूल बहन जी से, तो मैंने कहा मेरे लिए ये संभव नहीं है। कारण क्या है कि आज मेरी कोर्ट में काफ़ी केस लगे हुए हैं, कुछ एडमिशन के केसेज है, कुछ ऑर्डर्स के हैं, कुछ ऐसे भी मैटर है जिसमें मैंने स्टे लिया और सामने पार्टी ने स्टे वैकेट करने की दरख्वास्त लगाई है, और वो मैटर भी आज लगे हुए हैं, और हो सकता है वो इंसिस्ट करेंगे कि आज की आज सुनवाई और स्टे वैकेट हो जाए, इसलिए मेरा जाना नामुमकिन है, मैं ना जा सकूँगा। और एकदम से 5:30 बजे ये समाचार आया है, और उस समय सवेरे 7:30 बजे एक ट्रेन जाती थी जोधपुर से आबू, माउंट आबू होके आ गया अहमदाबाद की तरफ, तो उसमें मेरा जाना हो सकता था, पर मैंने उनको मना कर दिया। मेरी टीचर ने मुझे फिर कहा कि भाई दादी जी ने तुम्हें बुलाया है तो तुम ना दोगे क्या? जब इंसिस्ट करके कहा तो भी मैंने कहा मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, मैं ना जा पाऊँगा, ऐसे करके मैंने रिसीवर रख दिया। तुरंत उसके 3 मिनट के अंदर ही मेरे को जैसे कोई 550 वोल्ट का झटका लगा हो, मेरे को ऐसा झटका लगा कि मैंने किसको मना किया है, मैंने वर्ल्ड मदर को मना कर दिया कि मैं काम के लिए नहीं आऊँगा। अगर आज जज नहीं आए तो क्या होगा, आज अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो क्या होगा, आज अगर मेरी फैमिली में किसी का कुछ हो गया मुझे वहाँ जाना पड़ा तो मेरे काम का क्या होगा, मुझे तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा, तो क्या मैं भगवान के काम के लिए ना जा सकूँ? मैंने तुरंत फ़ोन उठाया, बहन जी को बोला कि मैं जा रहा हूँ, और मैं वहाँ गया और उसका मुझे अच्छा मुआवजा मिला, अच्छा पदा मिला कि उस दिन वो काम हुआ, और उसी दिन बाबा की पधरावणी थी ऊपर पांडव भवन में, और दादी ने मुझे ऊपर बुलाया और बुला के कहा कि बाबा से मिलो, और बाबा के सामने मेरी वो सारी बातें बताई, और बाबा ने मेरे को अच्छी दृष्टि दी और दृष्टि दे के मेरे को निहाल कर दिया। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया, तय कर लिया कि परमात्म काम के लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा, परमात्म काम के लिए कभी आपका नुकसान नहीं हो सकता, परमात्म काम के लिए आपकी कभी कोई हानि कुछ 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 भी बुरा नहीं हो सकता, कि वो परमात्मा का काम है। और अगर हम ये सोच के चले वो परमात्मा काम है और मैं परमात्मा के काम के लिए जा रहा हूँ, तो फिर उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि वो आपकी देख रेख करे, आपकी जिम्मेवारी तो आप अपनी जिम्मेवारी से हट जाते हो, परमात्मा आपका संरक्षण हो जाता है, वो आपकी देख रेख करता है। और जब परमात्मा आपकी देख रेख करता है तो आपको किस बात की चिंता है? और उसके बाद वो दिन और आज का दिन, मुझे याद नहीं है कि कभी भी मैंने किसी परमात्म काम के लिए, सेवा के काम के लिए कभी मना किया हो। और आपको मैं एक बात बता दूं, मैं भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, आज भी करता हूं, सीनियर एडवोकेट हूं, राजस्थान हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, और ये तो बात बहुत पुरानी है, उसमें मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी, पर मैं यहाँ कामकाज के लिए आता था और जाता था, उसके बाद में मेरी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं आई है, ये सबसे बड़ी बात जो थी। कारण क्या है कि हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति इससे इतनी बढ़ जाती है परमात्म सेवा से, कि हम हमारा काम जो 2 घंटे में करते थे वो आधे घंटे में कर देते हैं, हम कोई केस की स्टडी करते हैं तो स्टडी करते करते हमें ऐसा पॉइंट दिख जाता है कि जो हमें लगता है कि अरे ये तो सामने पॉइंट निकला हुआ फड़ा, आप इसको ले कर चलोगे आप जीत जाओगे, ऐसी आपकी निर्णय शक्ति और परख शक्ति हो जाती है। आपको पता होगा परमात्मा के 7 गुण हैं और आत्मा के भी 7 गुण हैं। परमात्मा ज्ञान का सागर है, ओशन ऑफ नॉलेज, आत्मा ज्ञान की स्वरूप है, परमात्मा पवित्रता का सागर है, आत्मा पवित्र स्वरूप है, परमात्मा सुख का सागर है, आत्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा प्रेम का सागर है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा हैप्पीनेस सुख का आनंद का सागर है, आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, और परमात्मा शक्ति का सागर है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, और 8 शक्तियाँ होती है जिसमें एक परख शक्ति होती है, एक निर्णय शक्ति होती है। आप अगर अपने आप को आत्मिक स्वरूप में डाल लें तो आपका परख शक्ति भी बढ़ेगी, निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। और मेरा एक दूसरा अटूट विश्वास ये भी है कि हमारे को जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए।
हमें जो नहीं मिलना है अगर उसके लिए हम लाख कोशिश करें तो हमें नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कार्य करने के लिए अगर हम जाते हैं, काम करते हैं, तो हमें कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। तो ये जो उन्होंने आपसे भी एक क्या कहना चाहिए अपील की है, आप यहाँ इतनी दूर से पधारे और आप, हो सकता है आप में से बहुत से पहली बार भी आए हों, इतनी दूर से पधारे हैं, पहली बार आप ये अनुभव राजयोग की शिक्षा का ले रहे हो, तो हम आपसे इतनी इल्तिजा कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पधारे हैं, जैसा अभी जस्टिस राठी जी ने भी आपसे कहा कि आप तीन दिन में पूरी लगन के साथ में यहाँ का जो कार्यक्रम है उसके साथ एसिमिलेट हुई है, उस कार्यक्रम को अटेंड करिए, देखिए, सुनिए, समझिए, और अच्छा लगे तो उसको अपनाइए, नहीं अच्छा लगे तो मत अपनाइए। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम अगर आत्मिक स्वरूप में बैठे तो हमें परमात्मा की अनुभूति हो सकती है और हम परमात्मा कार्य के अंदर भी सफल हो सकते हैं। अगर हम आत्मिक स्वरूप में नहीं बैठे तो हमारा जो परमात्मा का जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्र का सागर है, हमें, हम स्वरूप नहीं बन सकते, सशरीर हम स्वरूप नहीं बन सकते। शरीर के लिए तो हम बहुत काम करते हैं मगर आत्मा के लिए नहीं करते। आप अपने आप से भी पूछिए, आप अपने दैनिक कार्य में, अपने जीवन के अंदर आत्मा के लिए कितना करते हैं, शरीर के लिए कितना करते हैं। एक चार्ट लाइन है, वो बताता हूँ आपको। व्हेन पीपल स्पेंड मच टाइम एंड एनर्जी ऑन डेवलपिंग देयर बॉडीज एंड मेकिंग देम अट्रैक्टिव टू अदर पीपल, इज देयर एवर द थॉट टू डेवलप द सोल एंड मेक इट अट्रैक्टिव टू गॉड। हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं पर भगवान के लिए, सोल को भगवान से मिलाने के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम जो इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी फॉर ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस, ए वे फॉरवर्ड टू सस्टेन जस्टिस, मैंने इस सब्जेक्ट को चार पांच दफे पढ़ा, पढ़ के इसको समझने की और मनन करने की कोशिश की। तो पीस और हैप्पीनेस के पहले ग्लोबल लगाया हुआ है और स्पिरिचुअलिटी फॉर ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी, आवर एसेंशियल फंडामेंटल आइडेंटिटी इज स्पिरिचुअल, ईच ऑफ अस इज अ सोल एंड दैट वी ईच हैव ए डिवाइन नेचर, ए स्पिरिचुअल डीएनए मेड अप ऑफ फाइव बेसिक क्वालिटीज, पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी एंड पावर। इन पांच बातों को लेके स्पिरिचुअलिटी को बताया गया है और ये पांचों बातें में से दो है, वो दो है, एक तो पीस और एक हैप्पीनेस। तो जब स्पिरिचुअलिटी में पीस और हैप्पीनेस है तो फिर इस सब्जेक्ट का क्या मतलब हो सकता है? परंतु इसके पहले उसको क्वालिफाई किया ग्लोबल से, ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस। तो ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस आज के ज़माने में क्या है, कैसी है, ये हम सबको मालूम है कि ग्लोबल पीस आज की दुनिया में सुख और साधन की पीस हो गई है और उसी साधन और साधना की पीस के ऊपर हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे को पीस है, हमारे को हैप्पीनेस है। अगर सही माने में समझें तो आज के ज़माने में ना तो पीस है ना हैप्पीनेस है। अगर जब तक वो स्पिरिचुअलिटी से टेंटेड नहीं हो तब तक ना तो हमारे को पीस मिलेगी ना हैप्पीनेस मिलेगी। सही माने में अगर हमें पीस और हैप्पीनेस लेनी है तो हमें वैल्यूज़ के लिए, वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वैल्यूज़ को एडॉन करना पड़ेगा। अभी जस्टिस राठी जी ने पालकी वाला जी की माई द नेशन वाली बुक का कुछ रेफरेंस दिया था, उसमें ही उन्होंने लिखा है जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ आर परहैप्स टू ऑफ द नोबलेस्ट कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व बाय द विट ऑफ मैन। इन अवर टाइम्स देयर हैज बीन ए प्रेसिपिटेट डिमिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ए शार्प इरोजन ऑफ द वैल्यूज विच ऑट टू बी एक्सेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उन्होंने वैल्यू को बताया है, वैल्यू के ऊपर जोर दिया है और वैल्यूज़ को एडॉन करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे, हमारी लाइफ सफल हो सकेगी। अगर वैल्यूज़ को एडॉन नहीं करेंगे तो हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। एक वैल्यूज़ के ऊपर मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का, अरुणा रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज़ रिपोर्टेड इन AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट एट पेज 3176। इसके अंदर
नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए कमेटी बनी थी, चौहान साहब की कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट कर ली और एक्सेप्ट करने के बाद में उसको लागू किया तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मिस अरुणा राय ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद में कहा कि दिस कुरिकुलम इज अगेंस्ट आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे अपने विचार और लॉ लिखा है, मैं उसमें से कुछ लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। दिस नेशनल कुरिकुलम इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड टू द पार्लियामेंट ऑन 22 जनवरी 1999 बाई एस वी चौहान कमेटी विच वॉज अपॉइंटेड बाई द पार्लियामेंट 1996। Values are virtues in an individual, and if these values deteriorate, it will hasten or accelerate the breakdown of the family, society, and nation as a whole. In a society where there is a constant oppression of social and moral values for getting property, power, or post, it is advisable to have solid social foundations from base level so that a grown-up person would fight against all kinds of fanaticism, ill will, violence, dishonesty, corruption, and exploitation. Further, for controlling wild animal instinct in human beings and for having civilized cultural society, it appears that religions have come into existence. Religion is the foundation for value-based survival of human beings in a civilized society. The force and sanction behind civilized society depends upon moral values. Philosophy of coexistence and how to coexist is thought over by the saints all over the world, which is revealed by various philosophers. How to coexist not only with human beings, but all living beings on the earth, maybe animals, vegetation, and environment, including air and water, is thought over and discussed by saints and leaders all over the world, which is reflected in religion. If that is taught, it cannot be objected as it is neither violative of constitutional or legal rights, nor it offends moral values. Phir, आज की एजुकेशन के ऊपर उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है। इन एंशियंट टाइम्स इन गुरुकुल्स एम्फेसिस यूज टू बी प्राइमरी ऑन बिल्डिंग द कैरेक्टर ऑफ ए स्टूडेंट। टुडे राइट फ्रॉम द स्कूल्स अप टू द प्रोफेशनल कॉलेज एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग टेक्निक्स एंड नॉट वैल्यूज। वी सीम टू हैव फॉरगॉटन दैट स्किल एक्वायर्ड ऑन कंप्यूटर स्टैंड टू बिकम आउटडेटेड आफ्टर सम टाइम, बट वैल्यूज रिमेन फॉर एवर। In other words, present day education is nothing but an information transmission process. Our education system aims at only information based knowledge and the holistic view, turning the student into a perfect human being and a useful member of society, has been completely set aside. Swami Vivekananda aptly said, education is not the amount of information that is put on your brain and runs right there undigested all your life. We must have life building, man making, character making, assimilation of ideas. If education is identical and information, libraries are the greatest treasures of the world and encyclopedia are riches. ये जो सारे जजमेंट वगैरह जो दिए जाते हैं वो सब स्पिरिचुअलिटी बेस्ड जजमेंट हैं, इसके लिए मैंने आपको ये रेफरेंस दिया है। फिर एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा कि जो हमारे इमरजेंसी के टाइम में हुआ था, जिस समय इमरजेंसी हुई थी उस समय की बात है। रिकॉल द इवेंट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आवर फंडामेंटल राइट्स टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर सस्पेंडेड। Our high courts, let it be said to their great credit, ordered certain detainees to be set free, those who had been arrested under a mistake of identity or as a result of private vendetta or at the whim and fancy of the executive or without being heard at all. Our parliament to supersede the judicial decision passed an extraordinary law to the effect that no citizen shall be entitled to liberty on the ground of natural law, common law or rules of natural justice. This is typical of what can happen in India when the Western concept of common law
natural laws and rules of natural justice is treated as a pernicious outside influence. Another law passed by Parliament was to the effect that no police officer shall be permitted to disclose a court of law the grounds on which an individual is detained. हमने इमरजेंसी देखी थी और इमरजेंसी के टाइम में हमने ये देखा कि किस तरह से हमारे राइट्स अंडर आर्टिकल 21 वर एब्रोगेटेड मगर इतना सब होते हुए भी हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे यहाँ ऐसे सेंट फिलोसोफर्स हैं जो आज भी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन किए हुए हैं और कंट्रोल किए हुए हैं मैं मदर टेरेसा की एक इवेंट है जिसका रेफरेंस आपको देते हुए अपनी बात खत्म करूंगा मदर टेरेसा इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच एट ओस्लो इन 1979 ऑन बीइंग अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज सेड Humanitarian service brings peace in the heart. In that address, the mother related a story which deserves to be etched down our memories. The mother gave a bowl of rice to a Hindu beggar woman with 8 children. The beggar said she would like to excuse herself for 5 minutes. She went and gave a part of the rice to a Muslim woman whose children were also starving. Such is the harmony and goodwill among the common people. ऑफ इंडिया ये इसलिए हम ये सब्जेक्ट जो आज रखा गया है इसीलिए रखा गया कि हमें स्पिरिचुअलिटी से अगर हम टेंटेड हैं अगर स्पिरिचुअलिटी हमारे लाइफ में है तो हम सक्सेसफुली अपनी लाइफ को चला सकते हैं अदरवाइज ये बहुत दिक्कत है इसलिए अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता बेल महेश्वरी जी ओम शांति वोट ऑफ थैंक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ थैंक्स सुप्रीम जस्टिस शिव बाबा को अर्पित समर्पित करते हुए इनकॉर्पोरियल सुप्रीम जस्टिस शिव बाबा सुप्रीम गॉड फादर शिव बाबा जिनके हर जजमेंट में लव और ला का दया और न्याय का कंप्लीट बैलेंस है और उनके साथ साथ उनके साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की के फाउंडिंग फादर भी हैं और वर्तमान समय भी अव्यक्त रूप से सभी सेवाओं के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं के बैकबोन हैं तो मैं और न केवल मेरी तरफ से वरन हम सभी की तरफ से बहुत करतल ध्वनि के साथ अनंत आभार व्यक्त करते हैं बहुत बहुत दिल से खुशी से धन्यवाद इस सफल आयोजन के लिए हम दोनों महानतम परम हस्तियों का हम अर्पित और समर्पित करते हैं इस कार्यक्रम का इस कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है स्पिरिचुअलिटी फॉर पीस ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस तो वैसे देखा जाए तो आज के संसार में पीस और हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा साइंस अट्रैक्ट करती हुई लगती है इफेक्टिव लगती है हालांकि ये बात भी उतनी ही सही है कि सारे विज्ञान का टोटल साइंस का जो सोर्स है टोटल साइंस का जो सोर्स है वो क्या है स्पिरिचुअलिटी ही है आप देखेंगे जितने भी इन्वेंशन हुए हैं जितने भी डेवलपमेंट साइंस के अब तक हुए हैं चाहे वो कंप्यूटर की बात हो चाहे एरोप्लेन की बात हो चाहे स्पेस साइंस हो चाहे मेडिकल साइंस हो चाहे एटॉमिक एनर्जी की बात हो जो भी साइंस के डेवलपमेंट हुए हैं उसके पीछे किसी न किसी साइंटिस्ट की थॉट पावर ही काम कर रही है और थॉट पावर ही है स्पिरिचुअल पावर कैसे थॉट पावर जो है वो सोल पावर है और श्रीमद् भगवद गीता में
सोल को, सोल पावर को स्पिरिचुअल पावर कहा गया है, तो हमारी जो थॉट पावर है वो ही स्पिरिचुअल पावर है। आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि एक जैसे साइंस की बनाई हुई बड़ी से बड़ी मशीन, हजारों हजारों करोड़ की कॉस्टिंग से बनी हुई कोई भी मशीन, जो हो सकता है आसमान में कहीं भी पार जा सकती है, चंद्रमा पे जा सकती है, मंगल पे जा सकती है, समुंदर को नाप सकती है, लेकिन क्या वो कोई थॉट क्रिएट कर सकती है? साइंस की कोई भी मशीन थॉट क्रिएट नहीं कर सकती। लेकिन हम मनुष्य आत्माओं के पास, परमात्मा के संतान मनुष्य आत्माओं के पास वह अद्भुत शक्ति है, वह असीम शक्ति है थॉट पावर, जिससे हम इनर लाइफ में और ग्लोबली भी पीस और हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो ज़रूरत क्या है, हमें हमारी थॉट पावर को, जैसा ऑनरेबल जस्टिस राठी साहब ने बताया था, थॉट पावर का बहुत अच्छा एनालिसिस उन्होंने बताया था, तो हमें हमारी थॉट पावर को थोड़ा समझना है और थोड़ा उसको राइट डायरेक्शन में हमें ले जाना है। और वो राइट डायरेक्शन क्या है वो हमें पता है कि पॉजिटिव थॉट हमें रखने चाहिए नेगेटिव थॉट से हटकर। लेकिन पॉजिटिव थॉट भी क्या, तो मैं बहुत ब्रीफ में अगर बताऊं तो पॉजिटिव थॉट मीन्स व्हाट, हमें जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है इस कॉन्फ्रेंस का, हमें दो चीज़ चाहिए, पीस और हैप्पीनेस। तो हमें हमारी थॉट को क्या करना है, प्योर बनाना है और डिवाइन बनाना है। तो जितना जितना हमारी थॉट प्योर होती जाएगी, उतना उतना हम लाइफ में अभी का अभी इंस्टेंट पीस को फील करेंगे, और जितना जितना हमारी थॉट डिवाइन होती जाएगी, उतना उतना हम लाइफ में, इनर लाइफ में पीस हैप्पीनेस को फील करेंगे। और जो चीज़ हमारे अंदर है, जो हमारे इनर में है, वो हम ग्लोबली स्प्रेड कर पाएंगे। तो इन वेरी ब्रीफ, हमें हमारी थॉट पावर को पॉजिटिव मीन्स प्योर और डिवाइन बनाना है। और ये प्योर और डिवाइन कहने का मतलब कि केवल ये थॉट पावर ही है जो हमें पीस और हैप्पीनेस तक ले जा सकती है। इस वर्ड ऑफ थैंक्स को मैं आगे बढ़ाते हुए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ दादियाँ, योग की बेमिसाल मिसाल, राजयोग की महान मूर्तियाँ, जो भले हमारे सामने नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में इस यज्ञ को यहाँ तक लाने में जिनका अकल्पनीय योगदान, तो ऐसी महान दादियाँ जिसमें सबसे पहले आदरणीय राजयोगिनी जान की दादी जी, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज और मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, उनके साथ आदरणीय राजयोगिनी गुलजार दादी जी, एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, साथ साथ आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी, जिनको आप सभी ने सुना ज्ञान रत्नों की खान, और जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। मैं इन तीनों त्रिमूर्ति दादियों का बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के ब्लेसिंग्स हमें मिले भाई साहब निर्वेर जी, जिन्होंने इंस्पिरेशन जिन्होंने हमें दिया, बहुत ही उन्होंने प्रैक्टिकल बातें बता करके हमें स्वधर्म में स्थित होकर हर कर्म करने की जो प्रेरणा दी, वह हमारे लिए बहुत बहुत माननीय है। तो मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जनरल सेक्रेटरी निर्वेर भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज के इनॉग्रल एड्रेस स्पीकर ऑनरेबल जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा साहब, जज हाई कोर्ट इलाहाबाद, आपने इस कॉन्फ्रेंस में जो अमूल्य समय रूपी धन दिया और इस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने में जो आपने योगदान दिया, और आपने जो इनर स्ट्रेंथ के लिए हमें राजयोग सीखने की प्रेरणा दी, तो मैं आपका बहुत बहुत तालियों की करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
आज के ग्रीटिंग्स में हमने सुना ऑनरेबल जस्टिस, आदरणीय भगवान दास जी राठी, बीडी राठी साहब, फॉर्मर जज एमपी हाई कोर्ट, आपके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिले, थॉट की जो डिटेल एनालिसिस आपने की, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमें एक लॉटरी का टिकट दिया। वो लॉटरी का टिकट क्या दिया, जो आपने बताया कि जो 70 ईयर का प्रे और एक घंटे का मेडिटेशन, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए, तो हम एक घंटे का मेडिटेशन से उतनी प्राप्ति कर सकते हैं जो 70 ईयर की प्रे से भी नहीं हो सकती है। तो ये आपने हमें लॉटरी का टिकट दिया, मैं आदरणीय भाई साहब का बहुत 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 आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सुरेश जी टेकवानी साहब, आपने बहुत कम शब्दों में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो ये हेडक्वार्टर है इसकी वैल्यू बताई, हेवन ऑन अर्थ। तो आपके जो एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिले, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। राजयोगी बीके करुणा भाई साहब, जो जिन्होंने पीस ऑफ माइंड टीवी के बारे में हमें बताया, ब्रह्मा कुमारिस का जो पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल है वह आज बहुत सेवाएं कर रहा है, तो मैं आदरणीय बीके करुणा भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे फॉर्मर नेशनल कोऑर्डिनेटर और न्यूली इलेक्टेड चेयरपर्सन बीएल माहेश्वरी भाई साहब, जिनको हमने अभी सुना, मैं उनका बहुत बहुत आभार, और आभार से पहले अभिनंदन करना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप इस इतनी उम्र में भी इतना एक्टिव और अलर्टनेस रहते हुए हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ताली बजा करके एक बार पुनः भाई साहब का धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। जुरिस्ट विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर और इस कॉन्फ्रेंस के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजयोगिनी लता दीदी जी, जिनके संकल्प को हम आज मूर्त रूप में देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस सफल आयोजित हो रही है, आपका ही संकल्प रहा। मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए और सारे सेवाओं के लिए आदरणीय लता दीदी जी का बहुत बहुत तालियों की करदल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उनके साथ में उनके राइट हैंड, जैसे धर्मराज के राइट हैंड ब्रह्मा बाबा है, ऐसे श्रद्धा दीदी के, लता दीदी के राइट हैंड हमारी श्रद्धा बहन जी, असिस्टेंट हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर, आपने इतना अच्छा, इतने बिजी होते हुए और फरिश्ते की जैसे उड़ते हुए हर काम आप कर लेते हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं इस सभागार में उपस्थित हमारे ऑनरेबल गेस्ट, जजेज, एडवोकेट, भारत के कोने कोने से आए हुए एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना नहीं भूल सकता। आपके सम्मान में मुझे एक शब्द याद आता है, जिस प्रकार डॉक्टर्स के लिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, तो मैं जज के लिए हमेशा सोचता हूँ जस्ट टू गॉड। तो ऐसे महान कार्य करने वाले हमारे जजेस, लर्नेड एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स और फैमिली मेम्बर, आप सभी यहाँ आए, आपने अमूल्य समय दिया, आपका बहुत 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 तालियों की कड़क ध्वनि के साथ आभार, धन्यवाद। अंत में ये जो स्वर्ग का मॉडल शांतिवन है, इसके सभी डिपार्टमेंट्स शांतिवन के एक एक भाई का, एक एक बहनों का नाम सहित बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत तालियों की करकश ध्वनि के साथ आभार, धन्यवाद। ओम शांति।